मध्य प्रदेश के खरगोन में मध्य रात्रि तक थाने में जमकर हुआ हंगामा। सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। मामला एक निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों और डॉक्टर स्टाफ के साथ मारपीट का है। पुलिस ने डॉक्टर की चिकित्सक प्रोटेक्शन एक्ट के तहत की पहले सुनवाई करते हुए मामला दर्ज किया। नौवीं की छात्रा को घंटों बैठाए रखने और FIR दर्ज न करने पर माँ ने खुले रूप से कहा कि हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो माँ, बेटी और पति सहित तीनों यही आत्महत्या कर लेंगे। बड़ी बात तो यह रही कि शहर के सभी डॉक्टर्स ने छात्रा का इलाज करने से इनकार कर दिया। दरअसल पूरा मामला यह है कि निमगुल निवासी राकेश यादव अपनी नौवीं में पढ़ने वाली अपनी बेटी अंबिका को बहुत अधिक पेट दर्द होने और बेहोशी जैसी हालत होने पर शारदा हॉस्पिटल ले गए। यहाँ डॉक्टर्स के नहीं देखने पर लड़की के पिता राकेश यादव की कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ा कि हाथापाई और मारपीट तक की नौबत आ गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर रवि महाजन और स्टाफ ने एक रूम में ले जाकर राकेश यादव, उनकी बेटी, पत्नी और भाई के साथ मारपीट की। इसके बाद शहर भर के डॉक्टर्स, MR और मेडिकल एसोसिएशन संचालक थाने पहुंच गए। थाने में सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। TI ने डॉक्टर की पहले सुनवाई करते हुए पीड़ित छात्रा और परिजनों को रात 1 बजे तक बैठाए रखा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। 6:30 बजे के आसपास ये मिस यादव आई थी और उनके उपचार के दौरान जबरदस्ती मेरे साथ मारपीट करी, गाली गलौज करी। उक्त जानकारी मैंने पुलिस को दी है, FIR दर्ज करा दी गई है। अब जो भी कार्रवाई होगी पुलिस करेगी। वो भी आरोप लगा रहा सर कि हमारे साथ भी अफसर साहब भी मारे। उन्होंने मारपीट पर उन्होंने स्टार्ट करी, हमने तो बीच बचाव किया था। तो बता रहे कि महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ है। कोई महिला थी, कौन एक बच्ची होती। आरोप लगाने से क्या होगा? अब क्या चाहते हैं नहीं, जो भी कार्रवाई करेगी जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो भी होगा। विवाद शुरू हुआ? विवाद यही जल्दी देखने के, मैं अपने मरीज देख रहा था, ये जबरदस्ती मेरे रूम पे घुस रहे थे। देखा भी इनको, उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे को धमकी दी, गालियां दी, मारपीट करने की कोशिश कर, बीच बचाओ। सर हॉस्पिटल में CCTV चल रहे हैं? बंद है। हाँ CCTV चल रहा है लेकिन रूम्स में नहीं होते, कॉरिडोर्स में होते। क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, जो भी कार्रवाई हो सही कार्रवाई हो और न्याय कानून अपना काम करे, न्याय संगत कार्रवाई। हम भी यही चाहते हैं। हमने पढ़े लिखे लोग, हम थोड़ी चाहते हैं कि किसी से कोई झगड़ा, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है सामने। मैं तो पहचानता भी नहीं हूँ, वो तो मेरे को दिखाने आए थे। लेकिन अब इस तरह से व्यवहार होगा तो डॉक्टर भी कैसे काम करेंगे, ये भी मेरे समझ नहीं आता। या तो हम इमरजेंसी देखना छोड़ दें। सर आए दिन इस तरह से डॉक्टर्स के साथ में दुर्व्यवहार की घटनाएं आ रही है, क्या करा जा सकता? आप ही पेशेंट, इतने पेशेंट देख रहे हैं, इतनी भीड़ चल रही है, इतने वायरल फीवर चल रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करेगा वो तो ठीक नहीं है। ठीक, मुझे भी नहीं समझ में आता कैसे काम किया जाए। या तो इमरजेंसी देखना छोड़ दी जाए सारी। शारदा हॉस्पिटल में इसको एडमिट करवाया, इसकी तकलीफ हो रही थी, पेट दर्द हो रहा था, तो बहुत इमरजेंसी में थी। मैं वहाँ हॉस्पिटल ले गया, काउंटर पर रसीद कटवाई रवि महाजन की थी और ड्यूटी डॉक्टर ने इसको फिर देखा। उसके बाद में इसको इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर दिया और इसकी तकलीफ कम नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने ड्यूटी डॉक्टर को फिर बोले सर ये फाइल ले जाओ और सर अगर देखे तो दिखा दो। मैं सर रवि महाजन के पास गया, मैंने कहा सर बच्ची इमरजेंसी में, उसको जरा देख लो। बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ, इमरजेंसी क्या होती है मैं मेरे हिसाब से देखूंगा। तब फिर मैंने फिर आग्रह किया कि सर आप 2 मिनट देख लो, उसके बाद आप मेरे को कुछ भी इलाज दे दो, उसका उसको बहुत तकलीफ हो रही है। तो मेरा हाथ पकड़ के बाहर कर दिया, बोले जा तेरे पैसे वापस ले जा, इलाज ही नहीं करना है तेरा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 2-4 को बताता हूँ कि भाई ये सर ऐसा बोल रहे। बोले चल मैं तेरे को दिखाता हूँ और हमको अंदर ले आए रूम में और मारने लगा। मेरे को मारा, मेरे बड़े भैया को मारा, इसकी मम्मी को मारा और ये बच्ची को भी मारा, नाबालिग बच्ची है, और गलत हरकतें करने लग गए पूरा स्टाफ, मतलब भीड़ में कुछ छेड़खानी के हिसाब से। और मैंने बोला कि मेरे पापा और इनको छुड़ा, तो बोले मारना था इनको था। और गणेश जी की आरती हो रही थी वो छोड़ के आ गए। कितने लोग थे मारने वाले? सर पूरा स्टाफ में कितने गिने तो नहीं हमने, बाकी रूम के अंदर सभी पूरा हॉस्पिटल में। और मेरे पापा फिर मेरे को दूसरे हॉस्पिटल लेके आ रहे थे, मेरी तकलीफ ज्यादा थी तो बोले कि मेरे गाड़ी को भी नहीं छोड़ा सर, इतनी भीड़ में उसको गलत हरकतें करने लग गई उसके साथ, भीड़ में धक्का मुक्की करे, मतलब गलत भी 2-3 मार इसको मार।